तिनका तिनका पूरी देश की जेलों के साहित्य को बाहर लाना चाहता है। पूरी दुनिया में जेलों में खूब लिखा गया, उदासी के पलों में, अकेलेपन के पलों में। इस समय मैं जिस जेल में हूँ वहाँ भी लिखा जा रहा है। एक अनजानी कवित्री अपनी कविताएं लिख रही है। कम उम्र में जेल में आई ये महिला अपने पूरे समय का उपयोग अपनी भावनाओं को शब्दों में उकेरने में करती है। हम उसका चेहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो अपना चेहरा समाज के सामने फिलहाल लाना नहीं चाहती, लेकिन तिनका को ये भी उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी अपने ऊपर हिम्मत बढ़ेगी और हौसला बढ़ेगा। तिनका तिनका यही करना चाहता है। ये कारावास है जहाँ अधमरी लाशें उदास हैं, कफन सा जिस्मों पर लिपटा हुआ पीला लिबास है, हैरानी सूरतें उनकी कि जैसे मरकजों के फूल है, अपनों ने ही घोपा जिनके दिल में दुश्मनी का शूल। सदाकत ये नहीं इनकी कि इनके हाथ खूनी हैं, ये बस है फैसला दफा के झूठे हुक्मरानों का। हर एक का दिल यहाँ अपनों से चोट खाया हुआ सा है, यही वो कैद है जहाँ हर एक को किसी ने फंसाया हुआ सा है। फकत पथराई आँखों में एक बुझी उम्मीद पलती है, यहाँ नई जिंदगी की आस में बस शामें ढलती हैं। दिन कटते हैं तपिश से भीगी पलकों को सुखाने में, रातों की कसक बंदर्द बहती है सिरहानों में। सुबह होती है यक बयक तभी एहसास होता है नाशादों की दुनिया में चिरागे हास रोता है। वक्त गर्दिश में दे तू साथ ए मेरे रूह नूरानी, हजारों चश्मे पूर्णम तेरे सदकों में हमें है बिछानी। खुदा तेरी रहमतों से तू कर दे रूह तरबतर, ते करना सैकड़ों सजदे तेरी चौखट पर आकर।